सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो फाइनली भाई साहब, आज एक बार फिर हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं मुंबई से चेन्नई के बीच में। आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी है ना, वो ट्रेन नंबर 12163 डाउन LTT टू चेन्नई सेंट्रल के बीच में होने वाली है, जो कि रोजाना शाम को 6:45 से LTT से निकलती है। ट्रेन हमारी टोटल 21 घंटा 45 मिनट में 22 हॉल्ट के साथ में आपको अगले दिन शाम को 4:30 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुँचाती है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। ये है लोकमान्य तिलक टर्मिनस का ये प्यारा सा स्टेशन, खूबसूरत सा स्टेशन। ये देखिए, ये है सिटिंग एरिया पूरा, यहाँ पे वेटिंग। और ये देखिए, ये है सामने प्यारा प्यारा एक पेंटिंग बना हुआ है, मतलब एक आर्ट बनाया गया है, जो कि देखिए ये मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रेन और इंडियन रेलवे के सिम्बॉल्स और बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर इस आर्ट में दिखाई गई है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लोकमान तिलक टर्मिनस पे भाई इतने बड़े बड़े फ़ैन लगे हैं, लगभग ये हर बड़े बड़े स्टेशनों पे, सेंट्रल पे, टर्मिनस पे लगे रहते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फ़ैन लगे हैं, जो कि बहुत मस्त हवा देते हैं भाई, एकदम ठंडी ठंडी हवा। ये देखिए, ये सामने बढ़िया सा आर्ट। आज की जो हमारी जर्नी है ना, वो 3rd AC कोच में होने वाली है। कोच नंबर है B2, सीट नंबर है 49। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी कोच चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस और B2। चले चलते हैं कोच में। AC 3 टायर भाई, डिब्बा है ना, बोल नया नया है कोच, 2021 का मैन्युफैक्चरिंग है। फाइनली बेड रोल की सुविधा अवेलेबल है इस ट्रेन में। ये रही भाई अपनी सीट और ये सारा लगेज है ना भाई अपना। ये देखिए, ये यहाँ पे लगेज है और ये पूरा से भरा हुआ है, मतलब है हम लोग 3-4 लोग हैं, लेकिन अपनी ये नीचे की सीट है, मजा है। पहली रिस में चढ़ा रहे ना, हाँ ये ट्रेन इसमें चढ़ा रहे हैं ना। तो देखिए भाई साहब, ये रेल नीर का पूरा पैकेट पैकेट है, ये हमारी ट्रेन में बोर्ड होगा। देखते हैं भाई, पेंट्री वाले सर्विस देते ही नहीं रेल नीर की, पता नहीं, पर बोर्ड तो किया जा रहा है। बाकी उसके साथ में ये अमूल कूल वगैरह सब कुछ है। निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। आपको दिखाते हैं डिपार्चर। निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से अपन आ चुके हैं कारण जिसका स्टेशन को लेट टी एन है। और ये स्टेशन मुंबई जोन का यानी सेंट्रल रेलवे का वन ऑफ द बिजी स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रेवल में भाई साहब यात्रा करने के लिए डेली लाखों पब्लिक आती है। यहाँ पे टोटल 3 मिनट का हॉल्ट है। कोई आए कि नहीं अपने घर, अपने घर कोई आए कि नहीं? एक मक्खी लग रहा है कल्याण से भर जाएगा। और वो कितने सर?
दरित समल से 8 मिनट की देरी से अपन लोग आ चुके हैं कल्याण जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KYN और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 8 है। यहाँ पर रोजाना 278 ट्रेन आके होल्ड करती हैं और ये भी एक मुंबई जोन का सेंट्रल रेलवे का सबसे बिजी स्टेशन, क्योंकि यहाँ भी सबर्बन और मेल एक्सप्रेस ट्रेन मिला के लाखों लोग यहाँ पे आते जाते हैं डेली। और ये देखिए भाई, ये हमारा ये इधर B1, उसके आगे B2 और ये जनरल कोच है। एकदम पीछे की तरफ कोच दे दिया भाई, बहुत बुरा हाल है। मतलब कुछ प्लेटफॉर्म का मतलब चेहरा ही नहीं देख पा रहे। थाने में थोड़ा बहुत देख लिया था, पर कल्याण में तो कुछ नहीं है। देखिए लास्ट का डिब्बा ना आधा प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ा है, पता नहीं क्या पोजीशन लगी है, समझ में नहीं आ रही। खैर ये हाल है भाई जनरल का, ठीक ठाक है फिलहाल तो, देखते हैं आगे कैसा हाल रहता है, आपको अपडेट देते हैं हम। और कल्याण को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 2 लाइन जाती है, एक लाइन जाती है करजत की और एक लाइन जाती है कसारा की तरफ। और हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार्ड देखने के लिए मिलेगा। आप पेंट्री कार्ड से खाना ले सकते हैं या फिर घर से आप कैरी कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। ट्रेन शाम को 6:45 से LTT से निकलती है। पहले दिन आपको वेज थाली, अंडा थाली और वेज बिरयानी ये मिल जाएगा, चिकन थाली आपको नहीं मिलेगा। रेट मैंने पूछा था, रेट वही बता रहे थे 100 रुपीज़, मतलब ओवर प्राइस लिया जा रहा है, ओवर प्राइस लिया जा रहा है। आपको पता ना क्या करना है, पिछले ब्लॉग में हमने बताया था और भी ये मुहिम चलते आ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली कंप्लेन करना है और बिल मांगना है, बिल ज़रूर मांगे। तो ये देखिए भाई साहब, आमची मुंबई की लाइफ लाइन, मुंबई लोकल फिलहाल खड़ी है यहाँ पे कल्याण जंक्शन पे। और कल्याण जंक्शन से आप डिपार्चर देखिए, अब डिनर टाइम हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं अपना डिनर करने। हम लोग घर से ही खाना कैरी किए थे, तो आप भी हो सके तो घर से खाना कैरी करिए, बेटर होगा। अदरवाइज आप पेंट्री से खाना ले सकते हैं, ये हमारी पूरी ग्रुप। लेकिन हाँ, पेंट्री से खाना ले तो साथ में बिल ज़रूर ले। नंबर खाना बना हुआ है, बहुत ही लाजवाब। हमारे पारा जी को हम पुलिस कर रहे हैं। अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड है, ऑप्शन आपके पास दोनों है। काश पारस भाई भी होते तो कितना मजा आता खाने में। क्या किलोमीटर की जर्नी करने के बाद 25 मिनट की देरी से अपन लोग आ पहुंचे हैं पुणे जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PUNE
नमोरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर अच्छे हैं। टोटल यहाँ पर रोजाना 122 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और यहाँ से 78 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है, 78 ट्रेनें टर्मिनेट की जाती हैं। पुनी रेलवे स्टेशन में आपको तमाम फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे डोरमेट्री, वेटिंग रूम और रेल आहार और भी बहुत सारे आईआरसीटीसी फूड स्टॉल मिल जाएंगे। अभी फिलहाल तो हम लोग आउटर में मतलब पीछे की साइड में उतरे हुए हैं जहाँ हमारा अराइवल हुआ है, लेकिन बाकी आगे की तरफ आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं। अरे हमेशा मैं रोज दे रहे हैं, वो वाले आगे वाले मुझे देने वाले थे इधर आगे। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी नंबर 1, 2, 3, 6, 3 अरे वही बोल रहा हूँ, हमेशा साथ आते हैं। आफ्टरनून गाइस, 1049 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम आ पहुँचे हैं राजमपेटा जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। टोटल नंबर प्लेटफॉर्म यहाँ पे 2 है और रोज़ाना यहाँ पे 31 ट्रेनें आकर होल्ड करती हैं। और गाइस गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि भाई नींद बहुत तगड़ी लगी थी, बहुत ज़्यादा सोया भाई। यहाँ पे ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है और भाई यहाँ की गर्मी पूरा आग निकल रहा भाई, इतना गर्मी है ना भाई साउथ में कुछ बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। Thank you.
से पीछे इसकी राजा बेटा से हमारी ट्रेनिंग थी, वैसे एक लड़का पता नहीं क्यों मतलब पीछे चालू डिब्बे की तरफ सेकंड क्लास की तरफ भागे जा रहा है मतलब क्यों ट्रेन स्पीड पे कोई इसके बाद भी भाग रहा है पता नहीं। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा ना करें क्योंकि भाई ये धोखा जाएगा सकता है, एक्सीडेंट के भी चांस हो सकते हैं, प्लीज़ ऐसा भागिए नहीं। फिर आरपीओ वाले सर भी गए, पता नहीं क्या हुआ, हमारी ट्रेन तो निकल पड़ी थी वहाँ से, आपने डिपार्चर देखा होगा, बट भाई क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप इससे दूर रहें, अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है इनके साथ दूसरी ट्रेन पकड़ लिया। ट्रेनिंग होता है, हम लोग ने ये आरो वाटर भर लिया 5-5 रुपये में, 5 रुपये में 1 लीटर पानी। अगर आपको नए बॉटल के साथ में पानी चाहिए तो 10 रुपये में बॉटल भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा आरो का बढ़िया। और यहाँ की गर्मी भाई साहब पूरी आग निकल रही है। 1124 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद आधा घंटा बिफोर हम लोग आ पहुँचे हैं रेनीगुंटा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RU। और हाँ भाई, आपको पता है रेनीगुंटा किस लिए फेमस है? लगभग यहाँ पे सारी ट्रेनें आकर होल्ड करती हैं, टोटल यहाँ पर रोज 179 ट्रेन आकर होल्ड करती है। नंबर 1 प्लेटफॉर्म 5, और रोजाना यहाँ से 2 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 2 ट्रेन टर्मिनेट की जाती है। और भाई ये स्टेशन फेमस इसीलिए क्योंकि यहाँ से बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर साउथ का तिरुपति बालाजी के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। लगभग सारे यात्री यहीं पर ट्रेन को डिबोर्ट करते हैं, यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर की ट्रैवल करने के बाद आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन करने मिल जाएंगे। हम लोग आधा घंटा बिफोर आए रेनीगुंटा में, आइए पूछते हैं अपने पार्टनर से, को पैसेंजर यानी साथी है मेरा, तो भाई कैसा है अब तक का जर्नी एक्सपीरियंस? देखिए जर्नी एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, ट्रेन भी बिल्कुल ऑन टाइम ही चल रही है, आधा घंटा बिफोर भी आ चुकी है। ओके। और सर्विसेज भी देखा जाए तो चाहे कैटरिंग स्टाफ हो या फिर रेलवे जो भी यहाँ पे स्टाफ है सब काफ़ी अच्छा। वेदर मतलब वेदर के बारे में क्या है? मतलब वेदर तो ऐसा है कि पूछे मत, अब लग रहा है कि अंदर ही जाना पड़ेगा। बॉम्बे के अकॉर्डिंग कैसा है? बॉम्बे तो फिर भी रहा था, यहाँ तो बहुत हीट है भाई, यहाँ बहुत ही गर्मी है। जैसा कि आपने देखा स्टेशन पे मैंने आरओ वाटर की मतलब ये सब अवेलेबल है, आप जैसे अगर बॉटल है तो पानी भर सकते हैं वहाँ पे 5 रुपये में, अगर बॉटल नहीं है तो आप बॉटल खरीद सकते हैं 10 रुपये में अगर आप रेल लीर नहीं लेना चाहते तो। देखिए यहाँ का स्टेशन है, यहाँ का आर्ट, ये तिरुपति बालाजी का ये आर्ट बना हुआ है और यहाँ की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर बनी हुई है। और यह है स्टेशन रेनीगुंटा जंक्शन, हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। भाई साहब उधर तो इतनी धूप है ना भाई, कुछ शेड वेड कुछ है ही नहीं, बहुत गर्मी लग रही है। और यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म पे शेड बना हुआ, थोड़ी राहत है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं और छोटे मोटे स्टॉल भी है यहाँ पे। ये देखिए लगभग हमारे ट्रेन से सारे पैसेंजर मतलब 80% पैसेंजर डिपोर्ट कर चुके हैं यहाँ से। और एक फंडा तो हमको बिल्कुल भी समझ में आया भाई, देखो ये है S1, ठीक है, ये है S1 और वहाँ पे AC के सारे कंपार्टमेंट हैं और यहाँ पे फिर बीच में लगाया है पेंट्री कार, उसके बाद फिर स्लीपर है। भाई समझ में नहीं आया भाई, AC और स्लीपर के बीच में ये होता है ना पेंट्री कार, लेकिन ये भाई LTT से ही गाड़ी मतलब पता नहीं कैसे मतलब उल्टे सीधे तरीके से डिब्बा ज्वाइन किया है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो भाई हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। रेनीगुंटा में कोच की साफ़ सफाई हो गई है और फाइनली यहाँ पर पानी भी फील किया जा रहा है हर कोच में, क्योंकि पानी तो लगभग ख़त्म हो गया था लेकिन यहाँ पे पानी फील किया जा रहा है पूरे कोच में। ये पूरी लाइन से पाइपलाइन बिछी हुई यहाँ भी, और देखिए पीछे की तरफ पूरा गर्मी तो नेक्स्ट लेवल है भाई साहब।
भाई हम लोग ने रेनी गुंता में गर्मी से बचने के लिए गर्मी का जुगाड़ ये हेरिटेज का बटर मिल्क ले लिया, छाछ जिसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग को स्ट्रॉ नहीं मिला है 10 रुपीज़ में, ये हमको 5 ली है, हम लोग 5 लोग हैं और पीते फिर देखते हैं कैसा इसका टेस्ट। वैसे अमूल का मिलना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अमूल का लेके चल रहे हैं। आइए सर, हम लोग का कोच है ना बहुत पीछे है, चलते फिर पीते हैं। ओके ओके टेस्ट है, उतना खास कुछ नहीं है, गला चल रहा है पीने के बाद, लेकिन क्या करें गर्मी तो ज़्यादा ही नहीं लेना पड़ा। बाकी अमूल की तो टेस्ट की बात ही नहीं है, वो तो भाई एक नंबर है, लेजेंड है भाई, मतलब मिल्क प्रोडक्ट में क्या करें, काम चलाना पड़ेगा। तो फाइनली रेनी गुंडा में आधा घंटा रुकने के बाद हमारा डिपार्चर राइट टाइम से हो चुका है। ये देखिए रेनी गुंडा से डिपार्चर, आठ मिनट की देरी से अपने 20वें अड्डे पे हम लोग आ चुके हैं पुतूर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PU। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म टोटल 3 है और यहाँ पर रोजाना 25 ट्रेनें आकर होल्ड कर दी हैं। और भाई पुतूर में बंदर ही बंदर है, ये देखिए एक बंदर दिख रहा है आपको, पुतूर में तो मतलब बंदर ही बंदर है। फाइनली एक मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है पुतूर जंक्शन से। यहाँ भी गर्मी नेक्स्ट लेवल ही है हाय, गर्मी साउथ में। किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम लोग आप पहुंचे हैं तिरुतनी, जिसका स्टेशन कोड है TRT और ये आता है तमिलनाडु में। और यहाँ पर रोजाना 31 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती है और यहाँ से रोजाना एक ट्रेन ऑरिजिनेट की जाती है और एक ट्रेन टर्मिनेट की जाती है। तो देखिए ये है तिरुतनी का प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा है भाई, यहाँ पर थोड़ा खड्डा है अगल बगल में प्लेटफॉर्म है भाई साहब, बड़ा अजीब स्टेशन है। ऐसा हाथ मार रहा है, हाथ ऐसा थोड़ी करना चाहिए, कुछ भी मतलब ब्लॉग बना रहा है कोई भी कुछ भी और क्या।
निम्बा निप्पी, ब्लॉग में देख लेना बाद में। तो यहाँ भी आरोधा देख, लगभग तमिलनाडु में मतलब साउथ में हर जगह है क्या? अच्छी बात है। ग्यारह सौ बानवे किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम लोग आप पहुँचे हैं अरक्कोनम जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है AJ। हमारा अरक्कोनम से डिपार्चर हो चुका है दो मिनट के हॉल्ट के बाद। तो यहाँ पर हम लोग 10 मिनट देरी से पहुँचे थे और इस स्टेशन को जंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से मुंबई चेन्नई मेल लाइन, चेन्नई सेंट्रल बेंगलुरु मेल लाइन, अरक्कोनम चेंगलपट्टू मेल लाइन, यहाँ से तीन लाइन का अलग अलग डायरेक्शन है, इसीलिए स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। देखिए यहाँ से डिपार्चर, वैसे यहाँ पर लोकल के भी प्लेटफॉर्म है, जैसे मुंबई में ना वैसे उस साइड देखिए ये दो तीन प्लेटफॉर्म है ना जो लोकल के हैं। अरक्कोनम जंक्शन किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अपन लोग वहाँ पहुँचे हैं पेरमपुर, जिसका स्टेशन कोड है PER। अपने निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से पहुँचे पेरमपुर, जो कि इंटरकल कोच फैक्ट्री के लिए फेमस है। सारा जो भी कोच का मैन्युफैक्चरिंग है वो चेन्नई ICF के द्वारा पेरमपुर में स्थित है, यहीं पर किया जाता है और ये चेन्नई डिवीजन में स्टेशन आता है। ये देखिए रेणुगुंता के बाद लगभग सारे पैसेंजर यहाँ से डिपोर्ट कर चुके हैं हमारी ट्रेन से, मतलब जैसे CST के पहले दादर आता है ना वैसे ही चेन्नई सेंट्रल के पहले पेरमपुर, यहाँ पर लगभग सारे पैसेंजर डिपोर्ट कर जाते हैं और से फिर चेन्नई तक ट्रेन जाती है खाली, अपना जो बच्चे कुछ पैसेंजर रहते हैं जैसे हम लोग फिर वहाँ पे डिपोर्ट करेंगे। फाइनली पेरमपुर से डिपार्चर होते हुए, भाई साहब गर्मी गर्मी हाय गर्मी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, पता नहीं चेन्नई पहुँच के क्या हाल होगा। कुछ ऐसा स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा, 4.2 रेटिंग मिला इस स्टेशन को। Thank you.
सो फाइनली 15 मिनट बिफोर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MAS। ये रहा सुंदर, चमचमाता, बढ़िया स्टेशन। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और वीडियो को बहुत सारा शेयर करना दोस्तों में, फैमिली में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक प्यार बनाए रखें।